गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ, हम लोगों ने इससे पहले जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लिया था लास्ट क्लास में, और आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट कर लिया होगा, देख लिया होगा। नाउ वी विल डू आर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं बच्चों, ये एक तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर बाहर का कोई पर्सन है सपोज, एंड उसे हमारे इंडियन सोसाइटी या इंडियन लॉ सिस्टम के बारे में नहीं पता, तो वो काफ़ी हद तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को देखकर इंडियन सोसाइटी के सिस्टम एंड लॉज को समझ सकता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो किस तरह की सोसाइटी होगी। देन नाउ वी विल स्टार्ट बाय द फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द फेडरलिज्म। नाउ फर्स्ट थिंग इज दिस कि वॉट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है वो कहता है कि जब व्हेन पावर डिवाइड इनटू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट और अदर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो हमारी कंट्री में यही किया गया है। हमने क्या किया है कि पावर को डिवाइड कर दिया है सेंटर और स्टेट के बीच में। देन 1992 के बाद हमने एक और लेवल बनाया जहाँ पर हमने पावर को डिवाइड किया, दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट लेवल। इसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। सी, ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, फेडरलिज्म व्हेन पावर डिवाइड इनटू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट और अदर मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क एक फिलोसफर थे, एक पॉलिटिकल थिंकर थे सॉरी, तो उन्होंने कहा था, फेड सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी, फेडरलिज्म इन इंडिया। अगर हम देखें तो ये हमें सेंटर लेवल पर दिखता है, पावर जो है वो सेंटर लेवल से स्टेट लेवल पर दी गई, फिर स्टेट से 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट में दी गई। तो सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो पूरे ऑल इंडिया लेवल की जो गवर्नमेंट है वो होगी, जो कि हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे होंगे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमें किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, किस तरह के जो इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए, उसमें हमें मेंबर बनना है नहीं बनना, तो वो सारी चीज़ों के जो डिसीजंस हैं, या जो कंट्री को लेकर, पूरी कंट्री को लेकर डिसीजंस हैं, उनको लेके जो डिसीजंस लेने हैं वो सेंटर लेवल की गवर्नमेंट लेगी। अब हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है हर स्टेट की, वो अपने अपने स्टेट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगी और स्टेट के अंदर जो है सिस्टम को अच्छे से चलाएगी। उसके बाद स्टेट के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम भी लाया गया, जो कि 1992 में लाया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो अमेंडमेंट्स किए गए थे, 73rd एंड 74th, जिसके द्वारा इनको, इस लोकल गवर्नमेंट को लाया गया। इसमें दो लेवल्स थे, एक पंचायती राज और दूसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटी। तो इसमें देखिए ये जो है आपका, ये दिख रहा है आपको म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो आपके जो स्टेट के अंदर विलेजेस होंगे डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ आपको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ म्यूनसिपैलिटी आपको छोटे टाउन सिटीज़ में मिलेगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपको बड़े सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, इस तरह की जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने क्या किया कि पावर्स को डिवाइड कर दिया, ताकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो सके, हमारे देश में जो है लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर एक पर्सन की नीड्स को, उसके डेवलपमेंट के, उसके इंटरेस्ट को समझा जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने फेडरलिज्म को हमारी कंट्री में अपनाया। तो इट इज़ द मेजर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, जहाँ पर कि सारे डिसीजंस लेने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। बट इन इंडिया क्या होता है कि दो हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। ये मैं आपको समझाती हूँ। एक नॉमिनल हेड होता है जो कि सिर्फ नाम के लिए है, जो कि हमारी कंट्री का नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री का नॉमिनल हेड होगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक होता है रियल हेड, जो कि है हमारी गवर्नमेंट का हेड भी होता है, रियल हेड या गवर्नमेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट।
रियल हेड, तो ये कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम पीएम भी कहते हैं। और आपको पता होगा हमारी कंट्री के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होगा, बिकॉज ऑफ वी हैव अ डेमोक्रेसी इन इंडिया, दैट्स वाई गवर्नमेंट को जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं उनकी जो गवर्नमेंट है उसको कौन इलेक्ट करके लाया है? पीपल, यानी कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ पीपल है, तो जनता ने इन्हें चुना है, तो रियल हेड है ये हमारी कंट्री के। अब क्या होता है कि इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों मिलके काम करते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों से एडवाइस लेके कोई भी डिसीजन लेगा। तो हमारी कंट्री में हमें एक नॉमिनल हेड और एक रियल हेड देखने को मिलता है, और एक पार्लियामेंट बनाई जाती है। तो ये सिस्टम जो है इसमें, और इसमें क्या होता है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको एक नॉमिनल हेड देखने को मिलेगा और एक रियल हेड देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब इसको एक बार हम देख लेते हैं, द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यू हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। ये आप लोग पहले भी पढ़ के आए हैं बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं, इसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है, जिसमें कि हर एक पर्सन जो कि 18 ईयर्स से ऊपर है और जो अपनी जो इंडियन सिटीज़न है उसको अपनी कंट्री में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का पूरा राइट दिया गया है एज एन इंडियन सिटीज़न। ठीक है, तो हमारी कंट्री में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, और हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो भी कोई हायरार्की के बेस पे नहीं होगा, उसको भी इलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसको इलेक्ट करने का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट है, और वो हमारा नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड या जो गवर्नमेंट का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको डायरेक्ट जनता चुनती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलती हैं। अब तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब इसमें क्या किया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स में देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। बच्चों हमारी कंट्री में हमने पावर्स को दो तरीके से बांटा है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बना के भेज दूंगी, ठीक है? तो ये आप देख, जो है पावर्स को दो तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये वाला तरीका तो हमने देख लिया, जैसे कि सेंटर, स्टेट और लास्ट लोकल, ये हमारा वर्टिकल तरीका है पावर्स को बांटने का, डिवाइड करने का। ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, तो ये हम देख चुके हैं। नाउ वी विल सी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला ये कहता है जो इस तरीके से है, हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें हमारी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेजिस्लेटिव होगी जो कि रूल्स ये सॉरी लॉज को बनाएगी, दैट इज द पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर। एंड आपको पता है इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये जो पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेटिव रूल्स बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट करेगी, इसमें जो गवर्नमेंट होगी वो है जो रूल को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड थर्ड इज जुडिशरी, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, थर्ड इज जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीन जो है इनमें सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है कि लेजिस्लेचर अपने लेवल पे रूल्स बनाएगी, लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उनको अपने लेवल पर इम्प्लीमेंट करेगी कंट्री के अंदर, और जुडिशरी ये देखेगी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लॉज को बनाए, फ्रेम करे और इम्प्लीमेंट करे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उनमें कोई भी क्लोज नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों अपने अपने लेवल पर काम करेंगी और तीनों एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करेंगी अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल सिचुएशन। ओके, आगे देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद आगे देखिए फंडामेंटल राइट्स। अब बच्चों फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोगों को मैंने सिक्स्थ में बताया, सेवन्थ में बताया, बिकॉज वी ऑल आर द इंडियन सिटीजन सो वी हैव स्पेशल राइट्स, दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स।
ओके, तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमें, ये हमारे पास देखा जाए तो बहुत सारे राइट्स हैं बच्चों। देखो हमारे पास ह्यूमन होने के नाते, बिकॉज ऑफ वी आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं और फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये ऐसे राइट्स हैं आपके जो ओनली मेजरली इंडियन सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं, और ये ऐसे राइट्स हैं जिनके एक्सप्लॉयट होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट ये जा सकते हो अपने इन राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपका राइट है कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो राइट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ए। ठीक है, तो ये जो राइट है अगर किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है और वो बच्चा अगर किसी ढाबे पर या किसी डेंजरस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और ऐसे में सिर्फ वो बच्चा ही नहीं बिकॉज ऑफ वो विक्टिम है, बल्कि जो दूसरा पर्सन है, मान लो कि मैं हूँ, मैं किसी बच्चे को ऐसी जगह काम करते हुए देखती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं रिट लगा सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और उस बच्चे के लिए उसके फंडामेंटल राइट्स जो उसे छीने जा रहे हैं उसकी डिमांड कर सकती हूँ। तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, जो कि आपको कुछ ही कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं जिनमें से एक इंडिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बच्चों, फंडामेंटल राइट हमारे जो हैं वो मेनली 6 हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार बता देती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर अभी मैं आपको बुक में भी दिखाऊंगी, डिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमारे 6 हैं मेनली। ठीक है, ये हमारे 6 है, पहले 7 हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब हमारे 6 राइट्स बचे हैं। ये मैं आपको कॉपी में बना के भेज दूंगी, और अगर आगे वीडियो में होगा तो मैं समझा भी दूंगी। ठीक है, 9th में आप लोग इनके बारे में अच्छे से समझेंगे। आगे आगे देखते हैं, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब है द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये फंडामेंटल राइट्स आ गए, पहला है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो है ये ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमारे को इंडियन सिटीजन होने के नाते हम सभी को इक्वल राइट मिलेंगे, फिर भले ही आप लोगों ने इसके बारे में 7th क्लास में इक्वालिटी चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऑल ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल। ओके, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन सभी जो प्लेस जो सभी प्लेटफॉर्म के बेसिस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी कहता है कि ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर द इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, और इसमें मैं अभी आपको एक प्रियम्बल भी दिखाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा हमारा राइट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है कि दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम, ये देखो एक सेकेंड, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कहता है कि आपको स्पीच देने का राइट है, एक्सप्रेस करने का राइट है अपने व्यूज को। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हो। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कहीं भी कंट्री में घूम सकते हो एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस, लाइक आप SC ST वाले जो सॉरी शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया है आदिवासियों को उधर नहीं जा सकते। ठीक है, उनके कल्चर को हार्म नहीं पहुंचा सकते, और इस तरीके से आप कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, रिसाइड मतलब रहना। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेसेस, आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस अपना अपना सकते हो, बस आपके पास उस प्रोफेशन से रिलेटेड डिग्री जो गवर्नमेंट ने जो मतलब कि कंपलसरी की हुई है वो होनी चाहिए, तो आप कोई भी प्रोफेशन अपना
अपना सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि आपके फादर जो काम करते थे आपके लिए भी वही कंपलसरी कि आप भी वही करोगे। अगर आप किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए जो उसके लिए डिग्री जो कंडीशंस चाहिए अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो आप कोई भी प्रोफेशन कोई भी ऑक्यूपेशन बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है और उसके अगेंस्ट आपको राइट दिया गया है। ये राइट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को बेचना, जैसे कि आपने देखा होगा लोगों को बेचा जाता है, लड़कियां हैं बच्चे हैं उनको बेच दिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती लेबरिंग कराना और अंडर 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट कराना। अब देखो इसमें जो अंडर 14 इयर्स का जो एज में जो एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि कुछ कंसेशन दिए हैं गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, कि जैसे जो बच्चे आपने देखा होगा टीवी में काम करते हैं तो उन बच्चों को इस एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि एक्सप्लॉयटेशन उनका तब माना जाएगा कि वो बच्चा जब किसी हार्मफुल फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी ढाबे पे काम कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा जो है वो इस माना जाएगा कि उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन। हर एक पर्सन को अपना रिलीजन जो है वो फॉलो करने का राइट दिया गया है, उसको अपने रिलीजन से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस फॉलो करने का राइट मिला हुआ है, उसे अपने रिलीजन से जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दान देने का राइट दिया हुआ है। तो ये इस तरह से, और आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ज़बरदस्ती की जाएगी आप अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म करो। आपकी मर्जी है, अगर आप अपनी मर्जी से कोई धर्म बदलना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। तो ये आपका फोर्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, इसको ध्यान से सुनिए ये इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। यानी कि हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं जो रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर नंबर जिन लोगों के कम हैं, यानी कि आप देखोगे बहुत सारे लोग जो तमिलनाडु में रहते होंगे जो नॉर्थ इंडिया के होंगे तो हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में माइनॉरिटी होंगे बिकॉज ऑफ हिंदी लैंग्वेज बोलने वालों की नंबर कम है। रिलीजन के बेस पे सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट हैं, ये लोग हिंदूज़ के अलावा जो है एक्सेप्ट हिंदूज़, बाकी जो लोग हैं इनको माइनॉरिटीज़ में देखा जाएगा, इनके नंबर जो है रिलीजन के बेस पे कम होंगे। तो इन लोगों को भी राइट दिया गया है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, अपने कल्चर को मोटिवेट प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यूपी में, तो ये ऐसी, और क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, लेडी इरविन स्कूल है, लेडी इरविन कॉलेज है, जेसन मैरी कॉलेज है, तो ये क्रिश्चियनिटी बेस्ड है। यानी कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने रिलीजन को ही प्रमोट करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, तो ये सारे आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं जिसमें कि आपको रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो ये एक तरीका है, आप लोग अगर अपने कल्चर और अपने एजुकेशन को, अपने कल्चर से जुड़े हुए, अपने रिलीजन से जुड़े हुए, अपने लैंग्वेज से जुड़े हुए एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये भी फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि आप अपनी माइनॉरिटी बेस्ड जो है इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। अब सिक्स्थ हमारा जो है इसको हार्ट ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। ये जो राइट है बच्चों, ये जो राइट है आपका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हम सोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये राइट नहीं होगा तो बाकी के पांच राइट आपके बेकार हो जाएंगे। ये एक तरह से सेफ गार्ड कहलाता है, बाकी के जो पांच राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आपका, ये पांचों राइट्स को, ये जो सिक्स्थ राइट है आपका, ये क्या करता है, इस राइट का यूज़ करके आप, आपके साथ अगर उन पांचों राइट्स को छीनने की कोशिश की गई है तो इस राइट का यूज़ करके आप उन पांचों राइट्स को बचा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फंडामेंटल राइट के अंदर आपको पांच रिट्स दी जाती हैं
जिन रिट्स का यूज़ करके आप अपने फंडामेंटल राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन को होने से बचा सकते हो। तो बच्चों, आप लोगों को आई नो आई होप कि आप लोगों को बहुत नॉलेज मिली होगी फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको पता चला होगा कि आपकी कंट्री में आप लोगों को ये इस तरह के कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। एंड एज एन इंडियन सिटीज़न आपको पता भी होना चाहिए, यू शुड नो। अब है सेक्युलरिज्म जो है, ये हमारा फिफ्थ मान सकते हो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक्युलरिज्म क्या कहता है? सेक्युलरिज्म जिसमें कहती हूँ कि आई एम सेक्युलर पर्सन, तो सेक्युलर वर्ड से सेक्युलरिज्म आया है। सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजी है और सेक्युलर एक वर्ड है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है बच्चों कि आपकी कंट्री जो है, आपकी कंट्री का अपना कोई रिलीजन नहीं है, और आपकी कंट्री में सभी रिलीजन्स को इक्वल माना गया है, और कंट्री के लिए सभी रिलीजन एक बराबर होंगे, फिर भले ही उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों के नंबर ज़्यादा हो या कम हो। तो इसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे लिए सभी रिलीजन इक्वल हैं, मैं किसी भी रिलीजन को अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए ये रिलीजन बहुत अच्छा है और ये रिलीजन जो है वो बहुत बुरा है। मैं सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए सभी रिलीजन्स के जो भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सभी जो है रिस्पेक्टफुल हैं। तो मैं एक सेक्युलर पर्सन हूँ, और जब मैं इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगूँ तो वो क्या कहलाएगा? सेक्युलरिज्म। तो हमारी इंडिया की जो कंट्री है बच्चों, वो सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट की नज़र में सभी रिलीजन को इक्वल माना गया है, सभी रिलीजन के लोगों को इक्वल डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, और हमारी कंट्री में किसी भी रिलीजन को जो गवर्नमेंट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उसको स्पेशल वो नहीं देगी, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं देगी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर हम वहीं पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, कुवैत, सऊदी अरब, इस तरह की इराक, ईरान, इनमें देखें तो उन कंट्रीज़ का अपना एक रिलीजन होता है। अगर आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप लेनी है तो पहले आपको वहाँ का रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, उस रिलीजन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सपोज अगर कोई पर्सन पाकिस्तान का है और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसे इंडिया में अपना रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको सेक्युलरिज्म का मतलब भी समझ आया होगा। आगे है, ग्लॉसरी दे रखी है, आर्बिट्रेरी, व्हेन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस, दिस कैन बी यूज टू रेफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस एट्सेट्रा। आर्बिट्रेरी होता है जब कोई भी डिसीजन जो है वो फिक्स ना हो और उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर दिया जाए। पॉलिटी, ये एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये आप ग्लॉसरी आप नोटबुक में कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर में मैंने जो मेजर मेजर चीज़ें बताई समझ आई होंगी। अब आप लोगों को इस चैप्टर को एक बार पढ़ना है, और उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से कल क्लास में एक बार डिस्कस कर लेना, और इस वीडियो को अभी देखिए, अभी देख के ख़त्म करिए दोनों वीडियोस, और कल मैं क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी, और जो बच्चा जवाब नहीं देगा उसे मैं क्लास नहीं लेने दूंगी। थैंक यू सो मच।